सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई विशाल शर्मा। तो यार शाम के बज गए हैं 6:48, मतलब समझो कि 7 बजने ही वाले हैं। तो यार इस वक्त मैं जा रहा हूं KTM शाहदरा शोरूम पे, वहां पर मनीष भाई ने बुलाया है। सच बताऊं तो यार मनीष भाई ने पहले काफ़ी देर हो गई मैसेज करे, तो यार मैं कहीं फंसा हुआ था इसलिए मैं लेट हो गया। मतलब समझ लो यार मैं कार में कुछ काम करा रहा था अपने, तो वो काम मैंने कहा यार काम तो ये बाद में हो जाएगा, मनीष भाई ने बुलाया तो चलते हैं यार पहले मनीष भाई के पास। पता यार अपना ना एक वो है कि कुछ अपने भाई लोग ऐसे हैं जो बुलाते हैं ना, जो भी कभी कह देते हैं कि यार कुछ भी है, जैसे भी कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिनको मैं मना नहीं करता यार। तो मैंने कहा मनीष भाई ने बुलाया, मैं कहा चलो यार ये काम तो मैं परसों भी करा लूँगा अपने कार का, मैं कहा चलो पहले मनीष भाई के पास। तो काम है भाई ऐसा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अपने KTM शाहदरा पे आ गई है नई वाली ड्यूक 390। मैं वैसे बहुत देर गई, मेरे को बहुत देर हो गई है सच बताऊँ तो यार, और मेरे को ऐसा लगता है शायद ऐसा भी हो सकता है उन्होंने पर्दा उठा भी दिया उस बाइक का, कोई बात नहीं। लेकिन अपना इतना है कि मनीष भाई ने बुलाया था यार जाएंगे, मैंने कहा ना यार मना नहीं हो पाएगी यार। तो यार कार में कुछ काम था, वो कह रहा भैया कम से कम 1.5-2 घंटा तो लग जाएगा। मैं कहा छोड़ यार तू इस काम को भी ऐसे छोड़, मैं तेरे से परसों कराऊंगा, क्योंकि कल 2 अक्टूबर की छुट्टी, कह रहा भैया 2 अक्टूबर की छुट्टी है आप फिर परसों करा। मैं कहा ठीक है भाई मैं परसों करा लूँगा काम, लेकिन मेरे को अब जान दे। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। तो भाई साहब जो सोचा था वो काम हो गया, एक खड़ी अपने सामने अपनी ड्यूक। अरे मनीष भाई, भाई क्या करूं यार बैग फंसा हुआ था यार बहुत ज्यादा। क्या हाल है आपके? देखो यार क्या मस्त लग रही है, जबरदस्त, बढ़िया यार। इससे बढ़िया और क्या चाहिए KTM, मैं ब्लॉग में ही कहता हूँ KTM वालों इतना तो कर दो, इतना महंगा माल दे रहे हो। तो देखो यार ये रही अपनी तगड़ी वाली नई ड्यूक, कसम से बहुत ही जानदार लग रही है यार। अभी यहाँ पर ऑरेंज कलर ही आया, ये 390 है, ये 250 है, तो मैं कुछ मोड्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आप होम स्क्रीन में देखते हो न्यूट्रल, लो, स्ट्रीट मोड, MTC, साइड स्टैंड सेंसर, RPM, टाइमिंग, सब चीज़ मिलेगा आपको। ये इसका होम स्क्रीन है, अभी आपको देख सकता है, तो मैं बताता हूँ क्या क्या फीचर्स इसके साथ आपको मिल जाएंगे। ये है इसका इंटरफेस, फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें राइडिंग मोड्स, मोटरसाइकिल आपकी आ जाती है। फिर हम इसमें आते हैं ऊपर राइड मोड्स में, राइड मोड्स में आएगा फर्स्ट आपका स्ट्रीट मोड, स्ट्रीट मोड में आने के बाद आपका आएगा ट्रैक मोड, रेन मोड। ये 3 मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन, जो कि आप देख सकते हो कितना अच्छा इंटरफेस है, प्रॉपर एज इट इज आपको इसके अंदर बाइक डिस्प्ले ओके मिल रहा है। सेकेंड आपको इसके अंदर आ जाता है ABS, ABS का देखिए दोनों ABS अगर रेड होगा तो दैट मीन्स एक ABS ऑफ है, तो अभी आप देख सकते हैं ग्रीन है, फ्रंट भी अच्छा लग रहा है इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जादू, ये आ गया इसका सुपर मोटो, दैट मींस कि आपका रियर ABS इसमें ऑफ हो गया, ठीक है सर। अभी इसमें आ गया रोड ABS, देन वहाँ से मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल में आपको आ जाता है टायर स्लिप नहीं होता है, आप इसको ऑफ कर सकते हो। अभी आप जैसे इसको ऑफ करूँगा ये देखिए रेड हो गया, चांसेस हैं स्टेबिलिटी के, तो MTC का मतलब होता है स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। बहुत अच्छा ऑप्शन एक और आया लॉन्च कंट्रोल, जैसे कि आप देख सकते हो वो अभी एक्टिवेट नहीं है इसके अंदर। लॉन्च कंट्रोल मींस जैसे हम जो हमें सुपर बाइक्स में मिलता है लॉन्च कंट्रोल, जो भी ड्रैग रेस के लिए होता है, ड्रैग रेस के लिए होता है, व्हील जो कंट्रोल जिसको हम बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और मोड आ जाते हैं, इसमें आपको इंजन मैन फंक्शन मिल जाता है, अगर कहीं पर रेड है दैट मीन्स कि अभी मेरे इसमें फ्यूल कम है, सब चीज़ ओके है, बस आपका फ्यूल थोड़ा सा कम है, ठीक है सर। ट्रिप 1, ट्रिप 2 आपको उसके साथ मिल जाएगा,
स्पीड कंट्रोल एंड स्पीड लिमिटर भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा, जैसे स्पीड सेट कर सकते हो, लाइक किसी को आप और को बाइक दे रहे हो तो ये है देखिए स्पीड कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। कुछ सेटिंग्स हैं इसके अंदर, ये सेटिंग्स आ गई, इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हो आप, फेवरेट्स डाल सकते हो अपने, फेवरेट्स डाल सकते हो, फेवरेट्स पे आपको क्या रखना है, लाइक जैसे आपको ऑडोमीटर एक्सेलेरेटर में आप ऊपर और नीचे बटन से आपको अगर एक बटन दबाएं तो कुछ भी खुल जाए वो भी आप कर सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको खास फीचर बताना चाहूँगा, आपका इसमें एक फ़ोन तो कनेक्ट होगा ही होगा, प्लस आपका वो भी होगा हेडसेट भी कनेक्ट होगा, आपका इंटरकॉम भी डिवाइस होगा कनेक्ट होगा और आपके बर्ड्स भी कनेक्ट होंगे। ठीक ठीक, तो वो आपको दोनों चीज़ें आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, फ़ोन प्लस ईयरबड्स प्लस आपका इंटरकॉम। तो स्क्रीन पे आपका प्रॉपर नेम आएगा किसका कॉल आ रहा है, इससे आप उठा सकते हो, इससे आप कॉल कट कर सकते हो, ये दोनों आ जाएंगे। पेयरिंग ऑप्शन आ जाता है, हैंडसेट पेयरिंग आ जाता है, हैंडसेट टाइप आ जाता है कौन से टाइप का ब्लूटूथ है आपके पास, ये देख सकते हो, कॉर्ड आ गया, कॉर्ड वाला है बिना कॉर्ड वाला है ये भी कर सकते हो आप, ब्लूटूथ है ये भी बहुत अच्छा फीचर जिसके साथ मिल जाएगा ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। बाकी ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा, बहुत अच्छी चीज़ है, फ्यूल गेज इनमें सब सब चीज़ मिलेगा आपको, जो चीज़ इस प्राइस रेंज में है इनफैक्ट किसी भी प्रीमियम बाइक्स में आती है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें कुछ मिसिंग है, आप बताइएगा कमेंट करके क्या मिसिंग है इसमें, सभी कंट्रीज़ के आपको फ्लैग इसमें मिल जाएगा। देखा, हाँ अगर इंडिया का फ्लैग हो तो और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बजाज यहाँ पर बना रहे तो उसको इंडिया का करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हिंदी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। हाँ वो होता है किसी किसी के लिए होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन हैं, इसके बाद वो आपके 1000 किलोमीटर्स के बाद ओपन होंगे, जैसे कॉल, लॉन्च कंट्रोल, ऑडियो, नेविगेशन, नेविगेशन भी है, कुछ ट्यूटर प्लस टर्न बाय टर्न नेविगेशन है इसमें, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, रिमोट कंट्रोल मोड्स आ जाते हैं कुछ, वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन हैं तो आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था कुछ इसका डिस्प्ले का ओवरव्यू, ये डिस्प्ले का हो गया। अगर हम इसमें देखते हैं एडजस्टेबल शॉकर है इसमें, हाँ एडजस्टेबल शॉकर है इसके लिए 5 क्लिक, कितना आपको रिबाउंड और कंप्रेस करना है उसके अकॉर्डिंग है, कितना आपको शॉकर हार्ड करना है एंड सॉफ्ट करना है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक, तो ये 5 क्लिक तक एडजस्टेबल है। इसमें न्यू बटन्स आ गए हैं सारे, न्यू बटन्स आ गए हैं, हैजार्ड सिस्टम आ गया सबसे बड़ी बात, और इसमें आगे से हैजार्ड, मनीष भाई हैजार्ड चलाना। एक और ऑप्शन है, जैसे अभी मैंने ऑन है, मैं मीटर ऑफ कर देता हूँ, आपका हैजार्ड चलता रहेगा, हैजार्ड अभी भी ऑन है। ठीक, तो ये बहुत से बहुत सिनेरियो में काम करेगा, जैसे आपकी बाइक ऑन है तो मीटर में प्रॉब्लम हो गया, शो नहीं हो रहा है, तो अभी ऑन कर सकते ऑफ करना है, ऑन कर रहा है, मीटर ऑन ये हो जाएगा, वैसे ऑफ होगा। इसका टैंक कितने लीटर का है? टैंक कैपेसिटी बढ़ गया है, 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ गई है। ठीक, ये भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग रूट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वो भी आ जाएगा। बाकी स्विंग आर्म में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, बनाना स्विंग आर्म आपको उसके अंदर मिल जाएगा, चेसिस ऑल न्यू है, सब फ्रेम एल्यूमिनियम फ्रेम आ गया है, ये काफ़ी चीज़ है। रियर शॉकर आप देख सकते हो एडजस्टेबल है, जो कि पहले एडवेंचर रैली में आया था वो भी अब उसके अंदर आ गया है। WP Apex LC4C इंजन आपका मिल जाएगा, बड़ा इंजन है, 399cc का इंजन आपको इसके साथ मिल जाएगा, 46 PS की पावर के साथ। मैं इसमें पावर बढ़ के आई है आपकी बार, तो एक तरीके से पूरी बीस्ट मशीन है जो कि बहुत अच्छी है, आपकी पसीना जैसी है। सो गाइस यार, मैं अपने पर्सनली बताऊं तो यार मेरे को बहुत अच्छी लगी यार ये बाइक। एक इसमें ब्लू कलर भी आता है मनीष भाई, तो आपके पास ये क्या नाम है आ चुकी है, पूरा स्टॉक आ चुका है आपके पास, बुकिंग्स अभी स्टार्ट हो चुकी हैं, बुकिंग्स कर सकते हैं। बुकिंग प्राइस क्या है? 5000 बुकिंग प्राइस है। और डिलीवरी कब तक हो जाया करेगी आप इसमें? 15 to 20 days कह रहे हैं आप। 250 वेरिएंट में अब हम आ चुके हैं, देख सकते हैं जैसे कि LCD डिस्प्ले आपको उसमें पूरा LCD डिस्प्ले मिलेगा, कलरफुल डिस्प्ले नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले एक तरीके से। इसके अंदर भी कुछ मेजर अपडेट्स किए हैं ये कंपनी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा क्विक शिफ्टर प्लस आ गया है, क्विक शिफ्टर प्लस में आप बिना क्लच ऑपरेशन के गियर डाल सकते हो, अब कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑप्शन आ गया, आप स्क्रीन की तरफ दिखा दीजिए, ये देखिए इसका ये आ जाएगा मीटर कंसोल, इसमें आएगा ABS का ऑफ, रोड एंड सुपर मोटो मोड,
ये आ गया। सेकंड आया था बाइक इन्फॉर्मेशन में आपका इंजन टेम्परेचर रेंज बैटरी ऑडोमीटर एंड सर्विस, ये बाइक इन्फो के ऑप्शन में आ जाता है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन में आया था ट्रिप 1 ट्रिप 2 जो कि सभी बाइक्स में आता है। सेकंड आया था नेविगेशन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एल्टीट्यूड स्पेक के अंदर भी नेविगेशन है, बट अभी सस्पेंस बना हुआ है, अभी कंपनी ने इसमें कुछ क्लियर नहीं करा है, हो सकता है आने वाले टाइम पे एक्टिवेट हो जाए, बट नेविगेशन का ऑप्शन है। ऑडियो प्लेयर्स में आ जाते हैं, इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। अच्छा, वैसे भी आप पॉलिसी कर सकते हो, अगर कंट्रोल्स नहीं हैं तो दैट मीन्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी। ठीक, इसमें आ जाता, फिर सेकंड आया था लैप टाइमर, कितने लैप आप कर रहे हो अगर आप ट्रैक कर रहे हो, वो भी एक अच्छा एक ऑप्शन इसमें मिल जाता है। सेटिंग्स में जाएंगे तो कुछ सेलेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, नीचे आ जाते हैं कनेक्टिविटी में, आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, हैंडसेट केयरिंग हो गया, ये सब ऑप्शन इसका आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे 390 में किक शिफ्टर को बंद और ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। शिफ्ट लाइट्स होती है जो कि 1000 किलोमीटर के बाद चेंज होगी। क्लॉक एंड डेट सेम है। यूनिट्स किस कंट्री में आप चला रहे हैं, डिस्टेंट टेम्परेचर वो सब जाता है। यूनिट किलोमीटर्स और माइल्स में देखना चाहते हैं वो सब का ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। टेम्परेचर दिखाएगा बाइक का, कंजप्शन दिखाएगा कितना पेट्रोल आप है कंजप्शन में, किलोमीटर माइल इसमें सब में आ जाएगा। लास्ट एक्स्ट्रा फंक्शंस में अभी आपका आएगा ABS मोड्स, ऑडियो प्लेयर, कॉल इन, कॉर्ड सेट, ये सब चीज़ें ऑप्शन इसमें आ जाएंगी 390 वाली। बट है एक ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले, ऑप्शन सारे वही हैं और थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज हैं इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज है। ओवरऑल डिस्प्ले साइज वही है, 5 इंचज का डिस्प्ले है। तो सबसे मेन बात आती है मनीष भाई, इस टाइम पे अपने पास एक तो 390 खड़ी है, 250 खड़ी है, इसके बाद 200 और 125 भी है। नहीं, अभी ऐसा कुछ कंपनी ने क्लियर नहीं करा है। अभी जो चेंजेस जेन 3 में आए हैं, जनरेशन 3 में 250 और 390 वेरिएंट में ही आए हैं। अच्छा, मत जैसे अभी कहना है KTM के पेज पे था, जो वो ग्लोबल वाले पेज पे है। KTM इंडिया ने अभी सिर्फ ये 2 लॉन्च कर रही है अभी। तो अब इनका सबसे बड़ी बात आती है इसके बाद इनके प्राइस की। प्राइसिंग में आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको एक शोरूम क्लियर कर देता हूँ। 239,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस इसका रहेगा। ऑन रोड एक्सपेक्टेड रहेगा ड्यूक 250 का 276,000। ठीक ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्राइसिंग के लिए ड्यूक 390 की। 390 की प्राइसिंग आपको मिल जाएगी, इसके अंदर एक शोरूम रहेगा 310,500 रुपये का एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस एक्सपेक्टेड रहेगा 360,000। ठीक, बाकी आप बुकिंग्स वगैरह करा सकते हैं, बुकिंग्स ओपन है। KTM शाहदरा के शोरूम्स पे आइए, उसे भी बुकिंग कराइए और मनीष भाई से मिलिए सबसे पहले। तो इसमें जो टायर आए हैं इसमें भी मेटजेलर टायर ही हैं। 390 सीरीज में मेटजेलर टायर आया है, 250 सीरीज में आपको MRF टायर आया है इसमें। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं कि MRF टायर आई है और 390 में मेटजेलर टायर। सच बताऊँ ना यार, मेरे को ना इसकी जो ये आप सामने से देखो क्या अग्रेसिव लुक है। मैं एक मिनट इसका हैंडल थोड़ा सीधा करता हूँ, एक मिनट मनीष भाई, एक मिनट थोड़ा इसे सीधा करेंगे। थैंक यू। आप देख सकते हैं कितना एग्रेसिव यार, कितना मतलब बल्की लुक है। मतलब आप सामने से देखेंगे ना, पिछली वाली जो सेकंड जैन है उससे भी ज़्यादा अच्छी लुक लग रही यार इसकी। बस अब सबसे मेन बात आती है इसके हेडलाइट की। अगर हम इसके हेडलाइट देखो यार, KTM में हम सब परेशान हैं। मैं सच बताऊँ, मैं खुद RC से परेशान होता हूँ कि इसकी हेडलाइट क्या है, कि रात को दिखता नहीं है, रात को बहुत कम। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी लास्ट, तो सबसे पहले एक बार इसके ऑन कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रल है, ये OMG। तो देखिए ये है इसकी लाइट्स, आई थिंक यहाँ पर इसका ये हाई बीम लो बीम, अभी पता नहीं लगेगा, अभी सामने कुछ दिखा नहीं सकता, सामने ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हैजार्ड लाइट हो गई अपनी, यहाँ पर देखिए अपने मीटर कंसोल में भी चल रही है पूरा सामने से। चलो बस अभी आज के लिए इतना ही है अपना, इसको हम किल स्विच। बहुत बढ़िया बटन्स, बहुत अच्छे लगे यार मेरे को इसके, बहुत ही अच्छे प्रीमियम क्वालिटी कह सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा है। और इसकी सीट देखो यार, ऑरेंज एंड ब्लैक के उसने कॉम्बिनेशन में दिया, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब देखते हैं यार ब्लू कलर आएगा, मैं वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। मनीष भाई जब भी ब्लू कलर आए मेरे को बता देना, मैं एक बार आगे ब्लू कलर भी दिखा देना। हाँ जी, ग्रुप में मैसेज डाल देना बिल्कुल। तो सो गाइज, यहीं तक था, बहुत अच्छी है।
आई है KTM शाहदरा पे दुर्गापुरी चौक पे, मनीष भाई से मिली है, बहुत अच्छे से यार ट्रीट करते हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं, तो मिलते हैं यहाँ पर आके, देख लेना एक बार आपको पसंद ये लो, हैप्पी बर्थडे। तो चलो यार अब चलते हैं अपने घर की ओर, यहाँ पर तो अपना हो गया काम, जो भी हो सके तो यार आप लोग आ जाना KTM शाहदरा अपना, यहाँ पर गूगल कर लेना, गूगल पे आपको दिख जाएगा KTM शाहदरा। तो चलते हैं। सो गाइस यार KTM शाहदरा में आ चुकी है अपनी थर्ड जनरेशन ड्यूक। भाई पर्सनली यार बहुत अच्छी लगी मेरे को सच बताऊं, मेरे को बहुत अच्छी लगी यार वो बाइक, बहुत ही अग्रेसिव लुक है यार उसका, काफ़ी मतलब आगे से आप लोग देखोगे ना बहुत ही तगड़ी चीज़ है यार। सो गाइज यार एक छोटी सी रो वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, कुछ भी बस अच्छा सा होना चाहिए, दिल खुश करने वाला। और जो भी नए लोग आ रहे हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पर दिल खुश हो जाता है ज़्यादा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।